हर सौ रुपए जो बी सी कमाए उसके तीन रुपए टोटल क्रिकेटर्स के पास जाते हैं वर्ल्ड कप तो बहुत ही बहुदा तरह से ऑर्गेनाइज किया एंड द इज प्रेजिडेंट ऑफ बी सी सी आई विनर रॉजर बिनी वो स्टेज पे तो थे नहीं स्टेज पे कौन बोलर जो बनना चाहता है बहुत बड़ा दिल वाला होता है आशीष नेहरा का घर 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 उसका होता था और ये सारे सारे फास्ट लोग लोग जाके बोलर लोग जाके उसके घर में रहते थे पहले क्या था बोलर आपका अटैक करता था पुराने क्रिकेट में और बैट्समैन डिफेंड करता था इंडिया की क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे बड़ी नेशनल स्पोर्ट्स टीम है कोच और कैप्टन का चार पांच साल का एज अ परफेक्ट टर्न उनको खुद अपना कंट्रोल और सिस्टम के बारे में अगर कुछ कोई करने की कोशिश करे तो उसे हटा दे कुले को हटाया गया सौरव गांगुली को तो और मेरा फेवरेट कॉमेंट्री स्टोरी है विराट कोहली ने एक बार ड्रॉप कैच ड्रॉप किया था यहाँ लगा था और गिर गया था हार्ड चांस <laughs> जो सुपरस्टार एथलीट होते हैं उनको अच्छा इंसान होने का उनको टाइम नहीं है तो दैट इज द थिंग अबाउट ही वाज जिंदा इसके लिए जो विनेश फोगट और साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने किया वो मुझे बहुत ही मैं बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ उनकी क्रिकेट में आरक्षण होना चाहिए इंडिया के जो फैंस हैं ऐसे फैंस आपको दुनिया में नहीं चुनाव के बाद देश में खेल आयोजनों की बाढ़ है अभी हाल ही में हमने मैंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जीता और अभी ओलंपिक भी आने वाला है छब्बीस जुलाई से शुरू हो जाएगा तो हमने पहली बार सोचा पढ़ाकू नितिन में खेलों की बात हो जाए इससे पहले एक पॉडकास्ट किया था उसमें भारतीय खेलों की बात की थी जिसमें कबड्डी खो खो शामिल थे और हम सवाल पूछ रहे थे कि गए कहाँ और इन्हें वापस कैसे लाया जाए लेकिन आज बात करेंगे उन खेलों की जिन पर हमारी नज़र है और जिन्हें देखने के लिए हम बेताब रहते हैं अब तो धीरे धीरे फुटबॉल की चरस भी हमारे देश में बटने लगी है अच्छा है सबको कुछ ना कुछ देखना चाहिए और खेलना भी चाहिए जब मौका मिले शारदा उगराज हमारे साथ हैं शारदा साढ़े तीन दशकों से बहुत करीब से खेलों को कवर कर रही हैं और उनका बहुत लंबा चौड़ा करियर है और इसीलिए परिचय भी बहुत लंबा चौड़ा है मैंने सोचा लिख के लाऊ कुछ छूट ना जाए तो शारदा जो हैं द हिंदू इंडिया टुडे ई एस पी एन क्रिक इन्फो ई एस पी एन इंडिया इन सब के लिए काम करने से भी पहले मिड डे से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और करियर के शुरुआती दिनों में ए बी सी यानी ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन उसके लिए भी आपने काम किया और भारत को नौ देशों में क्रिकेट खेलते देखा है आपने हमने टी वी पर देखा है आपने जाके <laughs> देखा है इसके अलावा दो ओलंपिक हुए ऐसे जिनमें आपने रिपोर्टिंग की और शायद इस बार भी करें रिपोर्टिंग लेकिन अपने कंप्यूटर से और टीवी पे से देख पेरिस नहीं जा रही हूँ मैंने जी और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो अकादमिक प्रकाशन होते हैं क्रिकेट पर लिखते हैं उन सब में भी आपने, आपने काम किया इसके अलावा मैंने पढ़ा इसमें कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एस जे एफ वहाँ से आपको पुरस्कार मिला न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान जॉन राइट जिन्होंने हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को एकदम नया रूप दिया उनकी किताब पर भी आपने काम किया इंडियन समर्स उसमें सहयोग किया और युवराज सिंह की किताबें टेस्ट ऑफ माई लाइफ उसमें भी आपका सहयोग था और 2013 में मेलबर्न यूनिवर्सिटी के ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट की फेलो थी आप पहला इंटरव्यू इमरान खान के साथ जो अब जेल में है 1987 में आपने लिया था तब आप कॉलेज में थी और उसके मिले थे दो सौ रुपए तब तो ठीक ठाक रकम हुई होगी और वो भी थैंक यू पहले बार शुक्रिया आपने मुझे आप बुलाया बहुत खुशी है आपके पॉडकास्ट और आपके प्रोग्राम में आने से मैंने सुना कि बहुत पॉपुलर है मेरी हिंदी थोड़ी बम्बई है जरा माफ़ करिएगा अच्छा हाँ लेकिन हाँ दो सौ उस समय हमें हमको लगा था कि बहुत बड़ी रकम मिली है हमको और हम तीन दोस्त थे हम तीनों ने जाके उसी ताज होटल में जहां हम वेट करते थे कि हमको इमरान खान से फ़ोन पे बात हो कि हम आके उनसे आके मिले हमने वहां जाके वो उड़ा दिए दो सौ रुपये हमने कोल्ड कॉफ़ी पी के उड़ा दिए दो सौ रुपये <laughs> तीन तीन ये सोचिए ताज में दो सौ रुपये में अब कुछ नहीं मिलेगा आपको वहाँ एंट्री, एंट्री भी नहीं मिलेगी एंट्री भी नहीं मिलेगी लेकिन वो पहला इंटरव्यू था इमरान खान का फिर तो आपने बेशुमार इंटरव्यू किए हैं हाँ है ना तो सवाल तो बहुत सारे थे पर यहाँ से बात शुरू हो गई तो यहीं से शुरू करता हूँ किसका इंटरव्यू लेने के बाद आपको लगा कि ये खिलाड़ी ही नहीं बल्कि इंसान भी बहुत अच्छा है मुश्किल सवाल क्योंकि बहुत सारे लोगों से जिन्होंने मैंने बात की और आ, कभी कभी आप जब नए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और या नौजवान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं तो आपका एक एथलीट की तरफ एक अंदाज़ अलग होता है आपके जो जिसको कहते हैं आपका थोड़ा उनकी चक्का जौन से आप थोड़ा एक्साइट हो जाते हैं कि अरे ऐसे होंगे बहुत अच्छे इंसान होंगे जो सुपरस्टार एथलीट होते हैं उनको अच्छा इंसान होने का उनको टाइम नहीं है वो बहुत फोकस्ड होते हैं अपने करियर पे लेकिन आपको डेफिनेटली ऐसे एथलीट्स मिलते हैं बिल्कुल बहुत ही शायद एक आठ हफ़्ते छः हफ़्ते बारह हफ्ते पहले मैंने वैलरी एडम्स करके हैं एक न्यूजीलैंड की शॉर्टपट चैम्पियन है वर्ल्ड चैम्पियन हैं ओलंपिक चैम्पियन हैं एक बार भी नहीं गोल्ड मेडल जीते हैं दो तीन बार उन। उनसे जब मेरी बातचीत हुई थी एक प्रोग्राम में तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनका जो उनकी जो कहानी थी वो वो बहुत ही अलग सी थी आ, हम सब सोचते हैं कि न्यूजीलैंड का स्पोर्ट्स कल्चर बहुत एडवांस्ड होगा लेकिन वेलरी एडम्स वो पॉलिनीशियन थी वो शी वाज नॉट अ वाइट पर्सन शी वाज फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर तो उस उ, उनकी जो उ, उनका जो स्ट्रगल हुआ था आगे आने में और न्यूजीलैंड में सिर्फ या तो रग्बी खेलते थे या आ, रनिंग होती थी मिडिल डिस्टेंस रनिंग तो उन्होंने बहुत बड़ा और बहुत अच्छी चीज़ कही कि मैं ये करना चाहती थी कि ब्रेक द ब्रेक द साइकिल ब्रेक द बायस ब्रेक द स्टीरो टाइप है उनके लाइफ की स्टोरी उन्हें सुनाई है तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग खबर उनको बहुत खबर खबर नहीं बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा उनसे बात करके क्योंकि उन्होंने जितना सीखा है स्पोर्ट्स में से वो अब सिखाना चाहती है लोगों को और ये बस नाम भर की बात नहीं है अब कोई जानते नहीं है हिंदुस्तान में हम जानते नहीं है वेलरी एडम्स को लेकिन उनका जीवन इतना मुश्किल रहा है और उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें की हैं लेकिन मैं ये सोच रही हूँ अभी मैं इसको तो नहीं भूली उसको नहीं भूली लेकिन वो हो, होता है आप कहते हैं जो एक्स्ट्रॉडनरी लोग होते हैं एथलीट्स होते हैं वो कम होते हैं दुनिया में वो एथलीट्स तो मिल जाते हैं आपको अच्छे हाई परफॉर्मेंस एथलीट लेकिन जिनका जो जिसको कहते हैं ना कि वो दुनिया को कैसे देखते हैं और दुनिया किस नज़र से देखते हैं वो अगर जो अलग है वो वो कम ही कम ही मिलते हैं आपको लोग और और ये भी हो सकता है थोड़ा रिसेंसी बायस जिसको कहते हैं ना अभी अभी मिली वो एडम से और अभी अभी उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ और मुझे ये जो बड़े स्टार जो नहीं होते हैं उनमें से आपको उनसे बात करके आपको बहुत सीखने को मिलता है जो सब जो बड़े वाले स्टार नहीं हैं उनकी उनके जिंदगी बहुत अलग होती है लेकिन जो आप सोचते हैं जिनको कुछ ज़्यादा उनके करियर में उनके नंबर उनके स्टैटिस्टिक्स अच्छे नहीं है लेकिन आपको सीखने को मिलता है कि उन, उनकी उनकी उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया है तो इसी इसी सिलसिले में हाँ मुश्किल सवाल है फर्स्ट क्वेश्चन मुश्किल सवाल सोच लीजिए हो जाएगा। पैंतीस सालों में आपने अलग अलग लोगों से मुलाकात की खिलाड़ियों से है ना उनका जीवन भी करीब से देखा दुनिया बहुत बदली है क्रिकेट भी बदला है जब हम गांव देहात में देखते हैं कोई खिलाड़ी बड़ा हो रहा होता है वो सिर्फ खेल पर अपनी नज़र रखता है उसको ये टेंशन होती है पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा नहीं। सेलेक्ट हो गया तो परफॉर्मेंस कैसा होगा मगर आपने भी देखा होगा उस लेवल से बड़ा होते हुए किसी को पर जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन आते हैं क्योंकि अब मैं जब चारों तरफ देखता हूँ मार्केट ऐसा हो गया है सोशल मीडिया भी आ गया है एक इमेज भी ढोनी है साहब और लोगों को उसकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंटरेस्ट आने लगा है कितना बदल गया है इन पैंतीस सालों में खिलाड़ी का जीवन आ, खिलाड़ी का जीवन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खिलाड़ी के जीवन में अब जो एलिट एथलीथ हो, होते हैं वो जब बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस वाले उनको उनको सपोर्ट बहुत मिलता है अपने ओलंपिक्स की बात की उनको सपोर्ट बहुत मिलता है ये नहीं होता है कि अच्छा किसी चीज़ को आपको रहेगा कि आप मेरे पास है नहीं ये चीज़ सब सब मिल जाता है उनको और उनके उनका जो जीवन जब बदल जाता है यही है कि फेम फॉर्चून आप अपना हुड कैसे हैंडल करो अपना आप अपना जो सारी दुनिया आपको जानती है आप उसके बारे में और आपके आपका जो अपने खेल से जो रिश्ता है वो नहीं बदलना चाहिए अगर वो बदल बदल जाएगा तो आप फिर आप देख सकते हैं कि आप उनके रिजल्ट फिर ख़राब हो जाते हैं और एक और चीज़ जो हुई है सोशल मीडिया के आने से या जो हम कहते हैं जो हम सोचते हैं आप, आप उन्नीस जो, जो नब्बे का दशक था या अर्ली टू थाउजेंड्स का था हम यही सोचते थे नहीं नहीं इंडिया में मीडिया मैनेजर होने चाहिए इंडिया में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए तो हुआ है वो प्रोफेशनलिज्म लेकिन एथलीट और पत्रकार के बीच में बहुत जैसा वो जिसको कहते हैं डिस्टेंस हो गया है हाँ बहुत आ, आ, जो हम हमारे जो पहले वाले जो एथलीट्स थे उनके साथ हमारे बहुत इनफॉर्मल रिपोर्टर्स के साथ इनफॉर्मल हमारे ताल्लुक थे हम उनसे फ़ोन फोन पर बात कर सकते थे अब तो वो सवाल है ही नहीं कोई कोई नहीं कर सकता आ, लेकिन आप वो देखते हो कि जो और जब उनका करियर ख़त्म हो जाता है इसके लिए जो विनेश फोगट और साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने किया वो मुझे बहुत ही आ, मैं मैं बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ उन, उनकी ये नहीं कि उन्होंने मेडल जीते या मेडल जीतेंगे या जो भी है उन्होंने अपने खेल के लिए क्या किया था वो 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 मामूली बात नहीं है कम एथलीट्स करते हैं ऐसा और स्पेशली इस दुनिया में जब इस जैसे मार्केट का जो दुनिया है वो जानते हैं कि उन उनके फाइनेंस पे असर हो सकता है उस चीज पे लेकिन वो उसके बावजूद उन्होंने जो अपना जो प्रोटेस्ट किया था उस टाइम वो वो बहुत बड़ी चीज़ है इसलिए क्योंकि आप ज्यादातर देखते हैं एथलीट्स होते हैं दे प्ले दे प्ले सेफ जिसको कहते हैं ना वो अच्छा हाँ हाँ ठीक है अपने हम अपने ही खेल अपने कोर्ट या फील्ड में वहीं रहेंगे और किसी की देखेंगे नहीं वो बहुत फर्क फर्क पड़ा है और एक और जो अच्छी चीज़ हुई है कि जो आत्मविश्वास हमारे एथलीट्स में पहले जो नहीं था वो वो ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिला है कॉन्फिडेंस uh, मिली है और ये ये नहीं ये नहीं है कि हाँ भारत बदल गया है टाइप ये नहीं है ये क्योंकि जो इनके जो रोल मॉडल हैं जो उनके पहले जो आए थे लोग जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है वो उन्होंने उनको देख के अच्छा इसने गोल्ड मेडल जीता है अच्छा इसने सिल्वर मेडल जीता है उनको देख के ये नेतली तो हम भी कर सकते हैं हमारे साथ भी ये हो सकता है और उनको सपोर्ट भी मिलता है तो ये बदलाव मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है आ, कि हमारे और लेकिन हाँ कुछ कुछ जैसे डिस्टेंस हो गया है मैं यही सोचती हूँ कि किसी ने रोहित शर्मा का अच्छा लंबा इंटरव्यू अभी तक किया नहीं है जिसको क्यों 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 नहीं अब अभी वो जीत गया वर्ल्ड कप किया नहीं है या मिल 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 नहीं मिल नहीं मिल नहीं नहीं रहा 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 है है राइट अच्छा जैसे कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है हाँ। आपने कहा अब तो दूरी आ गई है पहले तो दूरी बात कर लेते हाँ। थे और दूरी आने के बहुत ऑब्वियस कारण भी थे बिल्कुल बिल्कुल एक तो आपने अपनी आंखों से देखा जिस तरह से मैच फिक्सिंग वगैरह का एकदम से शुरू हुआ तो अब सब नहीं जा सकते आसपास लेकिन अभी क्या प्रोसेस है जैसे आपको इंटरव्यू लेना हो तो कैसे मिलता पहले अगर आपको इंटरव्यू ले अब आप ये सोचिए इमरान खान विव रिचर्ड्स कपिल देव आ, इ, ज, ए, बड़े बड़े खिलाड़ी थे हमने जाके मेरी दो फ्रेंड जो थी मेरे साथ में आ, जाके उनके होटल में हमने चिट्ठी लिखी रिसेप्शन में छोड़ी हुँ. फिर थोड़े घंटे बाद फ़ोन किया उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं उठाया जो भी था तो दैट वाज़ द सिंपल इक्वेशन अब अगर आपको इंटरव्यू करनी पड़ेगी तो आपको उनके मैनेजर से बात करनी पड़ेगी और Uh, वो कहेगा नहीं ही इज़ नॉट रेडी टू ही और शी इज़ नॉट रेडी टू डू इंटरव्यूज़ नाउ ये टाइम नहीं है वो बिजी है बहुत नहीं कर सकते तो फिर आप स्टक uh, हो गए आप फंस गए आप क्या करोगे फिर उसके बाद फिर आप कहेंगे अच्छा नहीं किसी दूसरे एंगल से ट्राई करते हैं तो वो वो कह, वो फिर भी घूम फिर के वो मैनेजर के पास ही पहुंच जाता है और uh, मैनेजर uh, जो है हमको ये नहीं पता कि मैनेजर uh, क्या चाहता है uh, ये ये भी होता है कभी कभी को कोई कहते हैं नहीं हमारी कवर स्टोरी बनेगी प्लीज हमको इंटरव्यू दे दीजिए कवर स्टोरी हो जाएगी मैगजीन या जो भी है फीचर पेजेस या सबसे बड़ी स्टोरी वो भी जैसा गिव एंड टेक हो जाता है उनका तो मुश्किल है मैंने जसप्रीत बुमराह पे आर्टिकल लिखा पांच हजार वर्ड का लेकिन बात ही नहीं की मैंने hmm. हाँ, तो इट वॉज लाइफ आई मीन आई कुड नॉट गेट द I could not have a conversation with तो अब ये थोड़ा और ये हाँ, कुछ कुछ नहीं 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 था उसकी उसकी स्टोरी थी बस हाँ, और लेकिन 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 बात नहीं हो पाई, तो बात नहीं हो पाई। लेकिन लिखा मैंने हाँ, <laughs> फिर ऐसे आर्टिकल्स के बारे में जो लिखा जा रहा है वो खुद शामिल नहीं है उसमें हाँ। वो बात ही नहीं कर रहा आपने उससे बात ही नहीं की तो अंदर से खुद तो लगता ही होगा कि इसमें वो बात तो नहीं आएगी वो बात करता तो कुछ और होता शायद शायद लेकिन मुझे जो जो सेटिस्फैक्शन होता है बाद में कि मैंने निकाल तो लिया उसके और जो भी मैं पता कर सकती थी उसके लाइफ और क्रिकेट के बारे में जितने भी लोगों से बात कर सकती थी सत्ताईस लोग अट्ठाईस लोग जितने भी थे वो तो मैंने कर दिया कि और किसी को अगर कि, जसप्रीत बुमराह पे अगर किसी को आर्टिकल लिखना है एडिशन क्या होता उसकी आवाज़

लेकिन ऑन फील्ड परफॉर्मेंस और ऑन फील्ड स्किल्स का जो उनके पास जो कॉन्फिडेंस है मैं मेरे मैं कह रही हूँ मेरी बॉम्बे की हिंदी थोड़ी नहीं चल नहीं रही है, लेकिन है। वो, वो हमने पहले किसी हिंदुस्तानी फास्ट में तो है। मिरेकल हैं जो हो गए। या फिर आप ये भी मानती है लेकिन फास्ट बोलर तो जो है पाकिस्तान में ही हो रहे हैं खाद पानी मिट्टी सब एक जैसा है हमारे यहाँ नहीं वो हाँ नहीं तो ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है या फिर जसप्रीत एक्सेप्शनल केस नहीं जो जस जो बहुत अच्छा सवाल पूछा हैं आपने क्योंकि जसप्रीत का जो केस है आपको जाना चाहिए बैक टू द कपिल देव वीरा जो मैं कह रही हूँ कपिल देव के अब ये क्यों हुआ मुझे नहीं पता या मैं शायद कहना थोड़ा कॉन्ट्रवर्शल हो जाएगा तो मैं चुपचाप रहूँगी इस बार कपिल देव के ज़माने के बाद हमने उनका जो सक्सेसर था हमको मिला नहीं और ये क्यों नहीं मिला कि बहुत सारे फास्ट बॉलर्स आए थे चेतन शर्मा की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी सली लंकोला विवेक राजदान बहुत लंबी लाइन लग हुई है सुब्रोटो बैनर्जी जो भी है उनके बाद में तो हम हमने जो समझा एज रिपोर्टर्स के हिंदुस्तानी टीम के उस समय वातावरण जूनियर खिलाड़ियों के लिए अच्छा नहीं था वो हमको समझने में मिला श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद जो निकले हैं नाइनटीन के दशक के मिड नाइनटीन में जैसे भी वो निकले हैं और मैंने मैं उनसे मैं श्रीनाथ और तो वंकितेस के साथ कोई बताइए कैसा था वो बताते नहीं है दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ द प्रीवियस जनरेशन वो कुछ कहते नहीं है वैसे आ, लेकिन उन्होंने जो किया श्रीनाथ पर्टिकुलरली उन्होंने जो किया कि जो नए फास्ट बॉलर आए थे आशीष नेहरा ज़हीर खान उनको उन्होंने अपने साथ लिया और कहा भैया हम ये बैट्समैन लोग हैं हम अपनी बॉलर्स की खुद की टीम है वी आर डिफरेंट हम साथ में ट्रेनिंग करेंगे करें। उनकी अलग कम्युनिटी जो के। मैदान के बाहर भी एक दूसरे को सपोर्ट हा, करते हा, थे एक दूसरे की बात सुनते और आशीष नेहरा का घर पालम एयरपोर्ट के पास तो पालम एयरपोर्ट उसका घर होता था और ये सारे सारे फास्ट बोलर लोग जाके बोलर लोग जाके उसके घर में रहते थे अगर अगर फ्लाइट एक फ्लाइट सुबह की है फिर आठ घंटे बाद दूसरी फ्लाइट तो सब आशीष नेहरा के घर में जाके रहते थे तो वो जो कम्युनिटी बिल्ड की है फिर आशीष नेहरा और जहीर खान ने उसको आगे लिया हाँ तो आर पी सिंह और और ये है इंडियन टीम का माहौल जो आपको पढ़ने को आता है अभी कि ये, ये चीज़ें होती हैं द फास्ट बोलर आर ग्रुप दे बैंड टुगेदर अन बुमराह अभी उनके लीडर हो गए क्योंकि उन, उनके बहुत स्किल लेवल बहुत हाई है उनकी और वो उनका जो गेम सेंस है वो भी बहुत एलिवेटेड लेवल का है तो ये जो परंपरा जावागल श्रीनाथ के ज़माने से शुरू ही है वो अभी भी कंटिन्यू हुई है जो उन्हें नहीं सीखा लेकिन जो उन्होंने दिया आगे जो जनरेशन है वो आगे जहीर खान वगैरह भी थे ख्याल से आपका आपने देखा है कि हमारी पिचेस के साथ क्या करते रहते हैं सिलेक्टिव वाटरिंग नाम की चीज करते हैं कि हाँ भाई हम तो तीन और फिर गुस्सा होते हैं कि नहीं ऐसा क्या है हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती स्पिनिंग पिचेस वो भी चर्चा और लेकिन एक जमाना था लेकिन सबने कहा कि आप स्पिनिंग पिचेस बनाइए सॉरी आप फास्ट पिचेस घास घास रहनी चाहिए विकेट में whatever, और उन्होंने ऐसे किया और फिर लोग कहने लगे देखिए इसकी वजह से जो आपके स्पिन खेलने वाले जो बैट्समैन है ऊंचे तबके के बैट्समैन वो नहीं आ रहे हैं तो यू विल यू विल सफर एज अ रिजल्ट बट बट मोर देन द दिच्चेज आई थिंक क्योंकि हमारी पिचेज ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं इंग्लैंड तो है नहीं हमें कंडीशन ही अलग हैं या तो आप धर्मशाला में खेले तो, तो, अलग है, हाँ, है, नहीं तो नहीं। लेकिन आपके जो बोलर्स है, उन्होंने और चीजें सीखी उन्होंने और चीजें की कि हाउ डू यू आ, आ, बोल इन कंडीशन विकेट इज नॉट हेल्पिंग यू देर इज नो बाउंस इन द विकेट यू आर ट्राइंग टू डू रिवर्स यू आर ट्राइंग टू वर्क विद ऑलर थिंग्स तो दैट्स वॉट बिकेम गुड एट डूइंग बट जो जो एम एस धोनी की कप्तानी में उन्होंने कहा नहीं हम पांच फास्ट बोल हम पांच बोलर के साथ खेलेंगे hmm. और हमारे जो बैट्समैन है छह बैट्समैन धोनी भी था धोनी बैट्समैन ओनली तो उससे मेरे ख्याल से बहुत फायदा आया है दैट यू हैड दिस दिस बिग बैंड ऑफ बोलर्स प्लेंग एंड फास्ट बोलर आपके स्ट्राइक बोलर और भारत के बाहर जीतना इंपॉर्टेंट है ये हमको करना चाहिए तो दैट ऑल्सो इज अ फैक्टर एंड फिर जैसे वो ग्रुप बन गया और लोगों को ये Uh, मेरी एज के लोगों को ऐसे विश्वास नहीं होता हमारे पास तीन चार फास्ट बॉलर हैं क्या बढ़िया बात है पहले होते नहीं थे होते नहीं थे फास्ट बॉलर होते वैसे नहीं नहीं अभी भी जो हम देखते हैं और आप ज़्यादा बेहतर बताएंगी कोई बच्चा बैट्समैन बनना ज़्यादा चाहेगा है ना बॉलर फिर भी कम जब आईपीएल में पिटाई होती दिखती है तो बहुत अच्छा, अच्छा नहीं लगता आईपीएल <laughs> तो बहुत लेकिन बॉलर जो बनना चाहता है बहुत बड़ा दिल वाला होता है हिंदुस्तान में ये नहीं कि बैट्समैन दिलेर नहीं होते वो तो ही हैं है। लेकिन जो जो बॉलर आज बनना चाहेगा लेकिन उनके हीरो कौन होंगे उनके हीरो होंगे शमी उनके हीरो होंगे सिराज उनके हीरो होंगे बुमराह तो वो सब तो वो कहीं हमको ऐसे होना है और बॉलर का मिजाज ही अलग होता है थोड़ा हाँ, ज्यादा लगता बिल्कुल, 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 बिल्कुल बिल्कुल उस, मतलब की एक खासियतने उसको जैसे ये नहीं कहा कि नहीं टेक्स बुक का नहीं है तो माताओं टेक्सट बुक का ही होना चाहिए वो वो बहुत बढ़िया चीज है जो हिंदुस्तानी क्रिकेट में रेकग्नाइज करते हैं कि नहीं आप अलग बैट्समैन हो जैसे सहवाग आए थे सबसे पहले अब सहवाग जैसे इतने सारे प्रोटोटाइप बने उसकी कॉपियां लेकिन <laughs> अब शायद डिमांड भी है इसकी आप हाँ। स्पोर्ट्स को एक मतलब क्रिकेट को एक नए तरह के दौर में प्रवेश करते हाँ। देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से हो ही गया था अब तो और ज्यादा हो गया है कि वहां बैट्समैन हर बॉल को मारने की कोशिश कर रहा है अब वो लेफ्ट well, वाला तो हाँ, नहीं मिलता मिलता हाँ, हाँ, मतलब टेस्ट टेस्ट में ही मिलता था और किताबी शॉट खेल रहा है उस पर चौके छक्के नहीं आ रहे है उससे कमी कुछ आ रहा है तो यार रहने दो हाँ ने वो वो आपने इंटरेस्टिंग चीज कही है क्योंकि अभी जो ट्वेंटी ट्वेंटी की वजह से जो हुआ है पहला जो जैसे कहते हैं Uh, संतुलन है वो बिल्कुल उल्टा हो गया है कि पहले क्या था बॉलर आपका अटैक करता था पुराने क्रिकेट में और बैट्समैन डिफेंड करता अच्छा। था या तो शॉट्स लगाता था अब उल्टा है अब बॉलर डिफेंसिव uh, खेलेगा कि लेट मी ट्राई एंड गेट अ डॉट बॉल और विकेट आउट ऑफ दिस और बैट्समैन कहेगा नहीं मुझे चौका छक्का क्योंकि अब स्पेशली ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट में जो आया है कि यू हैव टू बी अ सिक्स हिटर तो सिक्स हिटिंग गया बेसबॉल पर सिक्स हिटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट कि अगर आप वो नहीं कर पाए तो फिर फिर आप टेस्ट बैट्समैन हो सकते लेकिन आपको छक्के मारने हैं और आप ये सोचिए लक्ष्मण जो मेरे फेवरेट इंडिया बैट्समैन है उन्हें अपने टेस्ट करियर में चार या पांच से ज्यादा छक्के नहीं मारे टेस्ट करियर में पूरे, पूरे पूरे एक जबरदस्त लेकिन सिर्फ चार या पांच तो वो बैटिंग का वो पूरा चेंज हो गया और टेस्ट क्रिकेट में आपको दिखाई दे रहा है कि अब डिफेंसिव बैट्समैन तो है नहीं बहुत कम है जो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं राहुल द्रविड जैसे बैट्समैन थे वो उस जैसे चेटेश्वर पुजारा पुजारा ही मेरा जमा में पुजारा हाँ है ना तो उस तरह के बैट्समैन अगर निकलेंगे तो आप वो सोचेंगे मुझे आई तो कॉन्ट्रैक्ट तो मिलेगा नहीं मैं किसी दूसरे किस्म का बैट्समैन हो जाऊँ मैं तो आपको ये जैसे बोलते हैं डाइंग स्पीशीज जो तो एक डायनासोर टाइप का एक्सटिंक्ट हो रहा है बहुत बहुत रिस्पेक्ट है उन उन जैसे खिलाड़ियों के लिए उन्हें बहुत मैचेस और जीते हैं और बचाए हैं इंडिया के लिए लेकिन अब वो बहुत बदल रहा है अब आप देख लीजिए आप देख सकते हैं देख के अजीब सा लगता है कि जैसे इंग्लैंड की टीम का खेलने का स्टाइल है टेस्ट को है ना उसको क्या बोलते हैं बेस्ट

तरीका बिल्कुल ठीक है या तो ऑर्थोडॉक्स या तो बैस बॉल या लेकिन बैस बॉल तो श्रीलंका के बैट्समैन भी करते थे ओपनिंग हाँ कर, बैट्समैन का टेस्ट क्रिकेट में आप सोच लीजिए और ये कब ये मैं अर्ली टू थाउजेंड की बात अभी नहीं बिल्कुल तो हर हर कोई जो टीम होती है वो समझती है कि वी हैव हमने कुछ नया कर दिया वी है और क्रिकेट का गेम चेंज ज़्यादा नहीं होता लेकिन मीनिंग हाँ। फंडामेंटल्स नहीं चेंज नहीं चेंज हो सकता अगर आप बहुत अटैकिंग विकेट खेलेंगे किसी टेस्टिंग टाइप ऑफ पिच पे आप काफ़ी रन नहीं बना सकते तो गया आपका मैच मैच अगर दूसरी टीम को लगा कि अच्छा आप ये थोड़ा ज़्यादा वो हो रहे हैं हम हम इनको थोड़ा चांस दें ये चांस लेने वाले हैं क्योंकि बॉलर को क्या लगता है कि जितना भी मैं मुझे हिट करे बैट्समैन चांस है मेरा चांस है चांस है मेरा ये वेल लेफ्ट का जो है वो वो मुश्किल होता है उनके उसमें तो इरिटेशन होती है ना हाँ, हाँ। जैसे शोएब बोलते हाँ। थे राहुल द्रविड़ के लिए हटा नहीं सको आप की इरिटेशन होती है भाई टेस्ट क्रिकेट में टाइम तो आप टाइम इज द किंग टाइम है आपके पास

<laughs> दो दो दशक नहीं दशक भी नहीं वो तो जैस कहते हैं सेंचुरी से मरता रहा है टाइप ऑलमोस्ट यू नो लेकिन टेस्ट क्रिकेट की जो फॉलोइंग है वो बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द गेम और जो पुराने देशों में उनकी पॉपुलैरिटी है वो कम देश जो कम देश ऐसे हैं जिसमें ग्राउंड आप भर सके टेस्ट क्रिकेट के लिए हिंदुस्तान में है दो तीन चार ग्राउंड है ऐसे उससे ज़्यादा नहीं और वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो भी है लोग आएंगे देखने और आ, 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 टेस्ट क्रिकेट इज़ नॉट अ कमर्शियल सक्सेस इन इन दिस एज तो 2020 है आपका मैं भी टेस्ट क्रिकेट की फ़ैन हूँ मुझे भी बहुत पसंद है टेस्ट क्रिकेट वो सब चीज़ है लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर आपने टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा स्मार्टली नहीं शेड्यूल किया या प्लान किया तो फिर ऐसा रह जाएगा कि तीन चार कंट्रीजें खेलेगी और जो और कंट्रीज हैं वो कहेंगे भैया उसमें कुछ

चांस होगी एक बार बस बस अपने करियर में तो ये है। नहीं है कि तुम्हारे हर दूसरे साल हाँ, खड़े हो उधर हाँ, 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 दूसरे साल खड़े नहीं कभी की बात है नहीं तो ओलंपिक में भी है अब क्रिकेट ट्वेंटी थर्टी टू ऐसे कुछ लॉस एंजलिस

मिनिमम मिनिमम ये खेल में कभी नहीं कहना चाहिए बहुत चीज है क्योंकि हमने क्या सोचा था नवंबर में कि जीतने वाली है हमारी टीम। अच्छा उस टूर्नामेंट में वही पहुंची फाइनल उसी ने हराया हमको तो ओलंपिक्स का जो ओलंपिक्स के ने जो क्रिकेट को इंक्लूड किया है तो उनको क्या चाहिए बहुत बड़ी हमारी आबादी जो क्रिकेट फॉलो करती है जितने लोग हैं मैं मैं ये कहती हूँ कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे बड़ी नेशनल टीम है क्योंकि उतने ज़्यादा फैंस किसी और नेशनल टीम को किसी दूसरे खेल में है ही नहीं ब्राज़ील की फुटबॉल टीम आप सोच लीजिए हाँ जो अमेरिका की बास्केटबॉल टीम हो वो क्लब की टीम है नेशनल टीम में मुझे आप चाइना की फुटबॉल टीम इतना फुटबॉल खेलती नहीं है कि आप सोचे कि तने फ़ैस होंगे उनके इंडिया की क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे बड़ी नेशनल स्पोर्ट्स टीम है ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए और ये ओलंपिक्स के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ऑफिशियल वो समझ गए कि हमको ये अगर ऑडियंस मिल गया तो वो रेस्ट ऑफ द ओलंपिक्स का भी आ, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इस इस रीजन में जो है वो उन्होंने क्या देखा कि इस रीजन की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इतनी सस्ती क्यों है ये साउथ एशिया और आ, ये सब क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ पर्टिकुलरली हम इंडिया एक सौ बिलियन पीपल वाली तो वो उनके राइट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा और एक और चीज़ होगी कि जो ओलंपिक से पैसा आएगा आईसीसी ने देखा कि वो पैसा सारे छोटे देशों को भी जाएगा ये जो हम आईसीसी में हम अपने दबंगी करते हैं वहाँ कि हाँ हम थर्टी सेवन परसेंट लेंगे और सब ये को ग्यारह और सात और तीन आपको पैसे की कि कि कमी तो है नहीं तो क्यों ले रहे है अब ज़्यादा लेकिन वो अलग दिन की बात है वो आई सी की मीटिंग शुरू होने वाली है कोलंबो में उनकी मीटिंग शुरू होने वाली है आप देख लीजिए बहुत आएगी हाँ इंडिया ने बहुत पैसे कमाए हैं वो जरूर आएगा खबर तो वो वो बहुत बड़ा फायदा है तो आईसीसी को, को फायदा देशों को फायदा सी आईसीसी आईओसी का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का पैसा है अब आपने आईसीसी की बात छेड़ी दो तीन सवाल पूछ लेते हैं आईसीसी के ऊपर आरोप लगता है कि वो कुछ ही देशों के हितों के लिए काम करती है या कुछ ही देश हैं कुछ क्या आप तो इंडिया का नाम ले ही रही हैं कि वो अपने हिसाब से three. करा लेता है और उसके पहले बिग हाँ, uh -huh. तो, uh -huh. हिसाब से कैलेंडर तो, बनता है uh -huh. अब तो विंडो है ना uh -huh. बात ऐसा ही होता है नहीं आईपीएल के हिसाब से कैलेंडर बनना बहुत सही सही हैल uh -huh. का विंडो जो उन्होंने क्रिएट किया है एक चीज क्रिएट की है जो क्रिकेटर्स के लिए आमदनी का बहुत ही सबसे Uh, मैं क्या सुहाना जरिया है हाँ <laughs> तो आई तो आईपीएल ने जो अपना खुद का जो क्रिएट किया है जो मैं आईपीएल की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ मैं आईपीएल कम देखती हूँ लेकिन मैं ऐसे देखती हूँ जैसे एंथ्रोपालजिस्ट देखता है ट्राइब को वैसे मैं देखती हूँ अच्छा आईपीएल हो रहा है इस पर क्या 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 लिखा जाए इस बार क्या हो रहा है वॉट एवर वॉटवर तो ऐसा मेरा अप्रोच है यू कैनॉट अवॉइड इट यू कैनॉट से दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी देर आप थोड़ा म्यूट पे सुनो क्योंकि बहुत चिल्ली पुकार होती है उसमें बट वो तो बात ठीक है कि आई के लिए कैलेंडर क्रिएट किया और उसके अलावा क्या हुआ है कि जो सारे ट्वेंटी ट्वेंटी लीग्स हैं आप देखो पूरे साल में होते चलती रहेंगी तो क्रिकेटर्स के लिए इंडिपेंडेंट अपने नेशनल बोर्ड को छोड़ के अलावा आमदनी का ज़रिया है ये तो इट्स इट्स फाइन और आईसीसी को कंट्रोल करना इंग्लैंड और और ऑस्ट्रेलिया करती थी जो हम कहते नहीं हमको तो बहुत हमने बहुत सहा है और वो ठीक है लेकिन उस टाइम आईसीसी के पास पैसा तो था नहीं आई का पैसा जगमोहन डालमिया के आने के बाद बना पड़ा और फिर जगमोहन डालमिया ने कहा कि वी हैव टू मेक द गेम ग्लोबल और वट ये और इंडिया पहले क्या होता था बी सी कि हम बी सी अपने एशियन ब्लॉक जो है उनके साथ वो कहते कि वह हम हम आपके साथ खड़े हैं ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं हम उनके अगेंस्ट लेकिन अब उन्होंने कहा नहीं बस हम तो बहुत अमीर हैं तो हम अमीर वाले देशों के पास जाएंगे दो और जो हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो ये ये हुआ है ये हुई है बात और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मेरे ख्याल से जो भी आप सुनते अरे बी सी सी ने बुलिंग कर दी आईसी के अरे बी ने ये ले लिया वो ठीक भी है और एक और चीज है कि आपका जो बोर्ड्स हैं और अंग्रेज इंग्लिश प्रेस में आएगा ऑस्ट्रेलियन प्रेस में आएगा आपके जो बोर्ड्स हैं वो क्या कर रहे थे वो चुप बैठे हुए थे कहा कुछ कहा उन्होंने अग्री कर लिया आपके बोर्ड को अगर कुछ दम है तो आप खड़े हो बोले नहीं ये गलत है कि हम आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमको भी पैसा मिलेगा इंडिया को भी पैसा मिलेगा और हम अपनी प्रेस में कह देंगे नहीं नहीं देखो इंडिया बहुत बड़ा बुली है तो यू हैव अलाउड योर सेल्फ टू बी बुली आप आप खड़े नहीं हुए दूसरे क्रिकेट देशों के लिए आप खड़े नहीं हुए आपने ये नहीं आप, आप लड़े नहीं उनके लिए hmm. कि दिस इज़ नॉट फेयर जैसे जैसे ही आपको डील मिला आपने का, हाँ चलो क्यों नहीं हम कर लेते हैं और हम सब अमीरों के साथ अटैच हुए hmm. आईसीसी के ऊपर अपने टूर्नामेंट्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कराने का प्रेशर होता है एक ही ग्रुप में रखते हैं वो लोग ग्रुप में उसको ग्रुप कुकिंग कहते हैं कुकिंग्रेजी आप कहती हैं ग्रुप कुकिंग तो हमारा प्रोड्यूसर है कुंदन मैं पूछा कि आई सी सी का, -सी -सी -का, -सी -का यू एन जैसा हो गया हाँ <laughs> <laughs> हाँ हा, यू से भी ज्यादा जा, कमजोर हाँ और लेकिन लेकिन यू को यू तो भैया वो युद्ध और उसके बीच में वो बात करनी होती है तो आईसीसी तो सिर्फ खेल के खेल का उसका वो है टेरिटरी तो उतना खराब नहीं है उतना वीक नहीं है क्योंकि उसकी वीकनेस का जो इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ खेल पर ही होता है और होता के, के जानों नहीं होता हाँ। आपने अभी आ, कुछ शानदार पीसेस लिखे और मैं लोगों से कहूंगा कि शारदा उरा टाइप कीजिए गूगल पर और आपको इतने शानदार लेख मिलेंगे इतने सुंदर एनालिटिकल पीस आप लिखती हैं शुक्रिया शुक्रिया आपकी तारीफ इंट्रोडक्शन में ही होनी चाहिए थी अब मैं बीच में नहीं बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किया आपने थैंक यू वेरी मच बहुत फ्लैटरिंग आपने बीसीसीआई को लेकर थोड़ा आपका क्रिटिसिज्म है बी जिस तरह से काम करता है देश में वो ठीक नहीं है और केवल पैसा है जिसकी वजह से बाकी बोर्ड्स भी चुप हैं अलग अलग जो हैं और बीसीआई होश है चल रहा है लेकिन दूसरी एसोसिएशन जो इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें पाकिस्तान का तो हाल में पता चलता रहता है वो किस तरह से काम करते हैं क्या हमसे अलग तरह से करते हैं हमसे हाँ। बेहतर करते हैं हाँ क्योंकि नहीं और मैं ये भी मानती हूँ कि हमारा जो क्रिकेट है बहुत बड़ा उसका स्प्रेड बहुत बड़ा है इसलिए ज्यादा प्रोफेशनलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है तो जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एक सबसे सिंपल चीज़ सुनाती हूँ आपको ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड जो भी कमाता है उसका छब्बीस परसेंट क्रिकेटर्स को जाता है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्लेयर्स और बीसीसीआई कहते हैं हाँ तो हम जो कमाते हैं उसका छब्बीस परसेंट क्रिकेटर्स को जाता है इंटरनेशनल डोमेस्टिक और वो झूठ बोलती है क्योंकि उन्होंने उसमें से अपने आई uh, पी की राइट्स को निकाल दिया उसमें से अपने ब्रॉडकास्ट चीज़ों को निकाल दिया तो बहुत कम जो मैंने कैरवन में आर्टिकल लिखा था कि आपको हर सौ रुपये जो बी सी से उसके तीन रुपये टोटल क्रिकेटर्स के पास जाते हैं और फिर आप डिवाइड करें डोमेस्टिक uh, hmm. और इंटरनेशनल क्रिकेटर को अलग है लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स को वो 26% परसेंट पूरा मिलता है और वो जाके उनके साथ भिड़ते हैं जब भी उनका भी कॉन्ट्रैक्ट्स का वो होता है कि हाँ नहीं आप, आप हमको दिखाइए क्या फिगर है दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ रनिंग अ क्रिकेट बोर्ड लेकिन बी डेमोक्रेसी तो है नहीं हाँ बी सी सी आई अपने और बी सी सी आई दो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह देखभाल करती है मेंस नेशनल टीम अब थोड़ा सा वेमेंस नेशनल टीम और आईपीएल उसके बाद कुछ कोई भी नहीं वो सोचती नहीं उनके बारे में वो अनाउंसमेंट करती रहती है क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप अपना प्रोफेशनल ऑफिस बनाए जिसमें से आपके जो पदाधिकारी हैं सेक्रेटरी प्रेसिडेंट वॉटर वॉटवर उनका कोई ऑपरेशन में रोल नहीं होगा ये प्रोफेशनल लोग चलाएंगे आपके सीईओ ओ सी सी तो है नहीं अभी तो ये नहीं चाहते हैं वो फिर हमारी फोटो कौन लेगा हमारी न्यूज़ क्यों छपेगी अगर कोई सीईओ कहेगा कि नहीं हमने क्रिकेट मैनेजर को अपॉइंट किया है अब आप ये देखिए विमेंस क्रिकेट कमेटी जो भी फॉर्म हुई है उसमें वुमेन है ही नहीं या एक ही होगी वुमेन इज नॉट इन चार्ज ऑफ तो ये सब चीजें उसकी बात करती हूँ आप पैसों की चका चौद में आप, आप अपना दिमाग स्विच ऑफ कर दे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता तो है वाकई कोई भी काम नहीं है जो बोर्ड सेक्रेटरी के तौर पर अच्छा हुआ हो उस दौरान मुझे पूछते हैं इवन अबाउट प्राइम मिनिस्टर मुझसे पूछा गया ये सवाल कुछ तो होगा आ, तो नहीं अब मैं सोच रही हूँ कि क्या अच्छा काम होगा वर्ल्ड कप तो बहुत बहुत ही बेहुदा तरह से ऑर्गेनाइज किया नहीं। नहीं। बहुत ही उसमें तरह से। आप टिकट पे भी नाराज, तो पब्लिक नाराज है। अब, अब के आप क्या अच्छा कहेंगे उन्होंने एक सौ पच्चीस जैसे जहाँ पना की तरह उन्होंने फेंक दिए एक सौ पच्चीस करोड़ रुपए क्रिकेटर्स के उस पर तारीफ का आलोचना ज्यादा है लेकिन महिला क्रिकेटरों को

और और लेकिन आईसीसी ने किया कि नहीं वुमेंस क्रिकेट मैन क्रिकेट साथ में होने चाहिए तो 2006 में वो आ गए साथ में यू हैव टू हैव द सेम बोर्ड दस साल हमारे बोर्ड ने कुछ नहीं किया अब जो कर रहे हैं ठीक है हमने किया और ऑल्सो ये जो वुमेंस क्रिकेट की बात करते हैं जो वुमेंस क्रिकेट के स्टेट लेवल में जो क्रिकेटर्स का शोषण होता है केरला की अभी अभी स्टोरी आई है और उत्तराखंड की स्टोरी मैंने लिखी उसके बारे में कोई बिल्कुल इंडिफरेंस कि ऐसे कैसे हो सकता है ये आप अलाउ कैसे करते हैं जो कहेंगे नहीं ये जो ये तो स्टेट्स में होता है आप सडनली आप बन जाएंगे सडनली आप बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर और ये हो जाएगा फेडरल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थोड़ी होता है इट्स अ स्पोर्ट अटो यू हैव हैव टू सिस्टम्स इन प्लेस वो सिस्टम्स नहीं करना नहीं चाहते और क्या है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड जो हमसे बेहतर कर रहे हैं हमें सीखना चाहिए मनी मनी डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन थिंग मनी डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन थिंग टूर्नामेंट और मैं एक चीज आपको और सुनाती हूँ जब मैं आ, इंडिया टुडे या हिंदू में काम करती थी सब कहते थे कि देखो इंडियन क्रिकेट टीम में इंडियन क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारी टीमें हैं टीमें कम होनी चाहिए ये बहुत सारी टीमें हैं अच्छा अब कहते नहीं देखो इंडिया की इतनी डाइवर्सिटी इतनी सारी टीम्स हैं इनके पास देखो ऑस्ट्रेलिया को उनके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं, नहीं है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एप द ऑस्ट्रेलियंस आपकी जो स्ट्रेंथ थी विच ऑज य पब्लिक मेरी एक थियोरी है के जो बी सी सी आई है वो जो नॉन स्टा नॉन इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको और जो जूनियर्स हैं उनको ऐसे ट्रीट करती है जैसे सरकार पब्लिक को उनका जो राइट्स राइट्स हैं सब जाने दीजिए नहीं लेकिन बी सी सी आई जो अच्छा करती है वो उनका टोर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन है उन बी सी सी आई में बहुत सारे लोग हैं दर्जनों होंगे जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स और उन्हें जो क्रिएट किया ये जो सुपर स्ट्रक्चर है कि मैचेस हैं सब रिकॉर्ड किए जा रहे हैं मैच रेफरीज है वो सब फर्स्ट क्लास होता है उनका एक हज़ार मैचेज दो हज़ार मैच जितना कोई इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में उन, उनके बस की बात नहीं है वो नहीं कर सकते तो दैट इज़ वेरी गुड लेकिन टॉप पे जो आपका जो मैनेजमेंट वगैरह है क्या एग्जाम्पल वो सेट करना चाहते हैं वो यही है वो जो शहनशाह टाइप ऑफ बिहेवियर चल रहा है बस दैट्स द थिंग कि आप आपने सी को अपॉइंट नहीं किया है एक्टिंग सी है बी एस सी सी एम एपको पता है एक्टिंग क्या वो थिएटर कर रहा है क्या वॉट इज दिस यू नो तो और ये सब चीज़ है कि जो बी सी सी आई को रन करना आप खरबों अरबों जित जितना बड़ा नंबर है आप उसके ऑलमोस्ट आप उसके मालिक हों और आप जान और जाार्ज ऑफ दैट मनी इसलिए एक दो जन कहते नहीं हमको हमारे जो भी है जैशाह तो अभी है उसके बाद भी जो भी आएंगे वो ऐसे ही होंगे कि नहीं हमको कंट्रोल करना चाहिए सब

वो थे ग्राउंड पे थे वो सब ने देखा स्टेज पे क्यों नहीं थे वो अब आप बताइए मुझे हाँ। है। ये किसी ने मैंने कहीं देखा नहीं सोशल मीडिया पे जरूर आया होगा लेकिन मैंने देखा नहीं किसी ने इसके बारे में पेपर में क्यों नहीं लिखा हाँ, मतलब इसके पहले रोजर बिनी जब... वर्ल्ड कप के विनर है भाई और आपके प्रेसिडेंट है आपने बना लिया पहले जगमोहन डालमिया शरद पवार हो गए प्रेसिडेंट थे ना वो प्रेसिडेंट थे जो एन श्रीनिवासन जैसे भी चल रहा था वो आईसीसी के चेयरमैन थे वो ट्वेंटी वर्ल्ड कप के में आके खड़े होते वो था था ना ना उनका उनका पोस्ट था ना? तो थ्री वन थ्री तो, वन वन सेक्रेटरी टू चेयरमैन पूछनी थी आपसे आप सा। हाँ। पैतीस आप सालों से कवर कर रही हैं हाँ। अभी हम लोग बड़े परेशान हो रहे हैं कि जो छोटे खिलाड़ी हैं छोटे टूर्नामेंट है हाँ। ये दिख नहीं रहे हो नहीं हाँ, रहे बड़ा हाँ, बुरा हाल हो रहा है हाँ, पहले तो कवर भी होता था जरूर अब कोई कवर क्यों नहीं करता जबकि अब जब क्रिकेट इतना बड़ा चढ़ा है और हम नए खिलाड़ियों पर नजर रखते भी है हाँ, यार ये नया आया ये तो हाँ, कमाल करेगा हाँ, अब क्या हो गया नए के बारे में बात क्यों नहीं होती कोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स जो जो खेल के जो डिपार्टमेंट है अखबारों में या मैगजीन में उनको तो आपने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया उनके ऊपर कोई रिपोर्टिंग करने को रिपोर्टर ही नहीं है तो वो नहीं करना चाहते क्या लेंगे वो एजेंसी कॉपी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैं टोक तो के पूछ रहा हूँ खेल बढ़ा है हाँ। है ना तो उसके साथ साथ पूरा इकोसिस्टम चढ़ता बढ़ता है ना सब सब खेल नहीं हैं क्रिकेट के अलावा और बहुत सारे खेल बढ़े हैं कबड्डी को देख लीजिए पीकेएल हाँ, जो चल रहा है बहुत सारे खेल बढ़े हैं हाँ, अब सवाल पूछिए सवाल यही था कि अगर सिर्फ क्रिकेट की बात करूं क्रिकेट तो बढ़ा है उसके साथ साथ पूरा इकोसिस्टम रिच होता है है ना उससे जुड़े लोग बात कमेंटेटर्स की भी तवज्जो होने लगी अचानक से प्रेजेंटर हाँ, भी चलते हैं हाँ, मैच के आगे पीछे विश्लेषण करने वाले भी चल रहे हैं वो मैं करूंगा अभी बात उस पर और उसमें भी कमेंट्री पर भी बहुत आरोप है पर मेरा फिर ये कहना है कि लोकल टूर्नामेंट्स की कवरेज क्यों बंद हो गई है और चलिए बड़ी स्पोर्ट्स मैगजीन की बात नहीं करते लेकिन छोटे छोटे जगह मतलब कोई कोशिश नहीं कर रहा ना इतने यूट्यूब चैनल्स हैं क्यों नहीं जाते आप लोग आप एडिटर्स को पूछिए सब बातों को, को पूछिए कि आप, नहीं, क्यों नहीं आप, आप, आप क्यों नहीं जाते आपकी दोस्ती हो आप क्यों पूछती नहीं जो जैसे मिड डे अखबार था मिड डे की लोकल कवरेज बहुत स्ट्रांग थी अब थोड़ी कम हो गई है स्ट्रांग हाँ हा, अभी भी है बॉम्बे क्रिकेट का बहुत अच्छा अच्छी कवरेज करते हैं जो मेरा सबसे पहला अखबार था जिसमें जिसके लिए मैंने काम किया लेकिन जो और आप देखते हैं हिंदू में हिंदू में आएगी लोकल कवरेज लोकल इवेंट्स बट लोग ये सोचते कि यार कोई नहीं पढ़ना चाहता तो हम नहीं करेंगे हम ये भर देंगे पेज अगर आपने रिपोर्टर ही हटा दिया आप स्पोर्ट्स के बताओ। में ही आपने तो बर्बाद कर दी ना टेलीविजन हम शुरू नहीं करते मीडियम भी ऐसा हो गया मुझे लगता है जैसा आप भी अभी कह रहे थे मैं कवर कर रही हूँ तो ठीक है मैं कंप्यूटर बैठी हूँ मैं पढ़ रही हूँ बात कर रही हूँ कवर कर लिया मैंने

अगर आप काम कर रहे हो आप क्यों नहीं जा सकते वो मैच तक क्योंकि आप डबल शिफ्ट कर रहे हो क्योंकि आपको आपको ये भी करना है आपको ऑनलाइन भी करना है तो आपको टाइम अच्छा, कहा है जाने काम के? बहुत सारा बढ़ गया उसमें लोड तो आपने आपने बढ़ा दिया दिया रिपोर्टर के ऊपर जो डेस्क का डेस्क का आदमी बना उसको वो भी सब करना है उसको थोड़ा वीडियो भी कर ले थोड़ा सोशल मीडिया भी कर ले लेकिन जब तक वो पहुंच जाएगा तो क्या यार लोकल टूर्नामेंट क्यों जाए कौन पड़ेगा लोकल टूर्नामेंट को क्लिक्स कितने मिलेंगे वो भी तो है लोकल टूर्नामेंट में देखता कि जैसे हम नोएडा में भी देखते हैं कहीं मैच हो रहा है अगर तो 20 तीस 40 लोग तो चलते-चलते रुक के देखने लगते हैं हां जिस देश में इतना क्रेज हो हा? कि गली हा? के लड़कों क्रिकेट खेलते देख हा? के लोग रुक जाएं वहां लोकल में अगर नजर नहीं जा रही हा? तो सोचना तो चाहिए या तो लोकल पेपर या तो लोकल हाइपर लोकल जिसको कहते हैं आप न्यूज़ न्यूज़ वो क्रिएट करो न्यूज़ इकोसिस्टम क्रिएट करो लेकिन हो सब हो जाएगा क्लिक्स की बात एसईओ वो सब है तो जब प्री इंटरनेट एज में मैं प्री इंटरनेट एज क्यों सोचिए तो प्री इंटरनेट एज में और सारे मीडियम्स तो थे नहीं आपको यू हैड रेडियो यू हैड टीवी एंड यू हैड प्रिंट है तो आप प्रिंट के लिए जाते थे आपको अखबार दिखता था कि भाई 400 वर्ड के उस पर आप लिख दो उस पर तो लिख दिया आपने तो अब तो गया बदल गया पूरा बदल गया है एक सवाल और इसी पेशे से जुड़ा बहुत कम दिखाई देती हैं महिला खेल पत्रकार है ना हुं। आप उनमें से एक है हमारा सौभाग्य आप यहाँ बैठी हैं थैंक यू यूनि कभी तो आपने सोचा होगा इस मेल डोमिनेटेड पेशे में महिलाएं दिखती क्यों नहीं आती क्यों नहीं और आप आई तो आई कैसे थी तो तो पांच छह प्रश्न भेज दिए मैंने आपको हाँ। नहीं मैं एक चीज बताऊंगी मैंने दो हजार अठारह में मैंने ऐसे कहा कि बताओ मुझे कितने विमेन स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स कितने हैं इंडिया हुँ। में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नॉट जर्नल जर्नलिस्ट तो मैंने अपने सब फ्रेंड्स को पूछा पता ये और ये क्या बात क्यों कहा अंग्रेजी में कितने हैं जो मोना पार्थ साथी हैं जो पीटीआई के लिए काम करती हैं उनका तो नाम हमने टिक करके लिख दिया था वहाँ मैं सब दोस्तों को पूछा बताओ कितनी लड़कियाँ हैं तो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया है मैंने उनको पूछा आपको कितना कितनी वमेंस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होंगी उन्होंने कहा भाई पच्चीस अच्छा अच्छा ठीक है आप बताइए कितना नंबर मिला मुझे वापस लोगों का नेम एड्रेस ई मेल और ये नहीं कि आप रिपोर्टर है आप डेस्क पे काम करती है डेस्क पे बहुत सारी और टेलीविजन भी नहीं टेलीविजन प्रेजेंटर भी नहीं प्रिंट डिजिटल वर्ड्स पीपल ऑफ वर्ड्स कितने-कितने नंबर मिले होंगे उन्होंने कहा 25 मैंने पता किया कितने होंगे 25 को तोड़ दे दो और पांच दो पांच कुछ मिले होंगे मुश्किल से 60 हां पता ही नहीं कि 60 2 65 लाइक दैट ऑन ये सब अंग्रेजी लार्जली अंग्रेजी लाइक ठीक है हां बंगाली में थी एक दो रिपोर्टर्स हाँ। फुटबॉल रिपोर्टर्स जो है कलकत्ता में मोना का नाम था एक और किसी और ने कहा था तो 60 लेकिन या आपको वो प्रेस बॉक्सेस में दिखेंगी या नहीं दिखेंगी वो अलग बात है कॉपी डेस्क में होंगी काफ़ी सारी लेडीज काफ़ी सारी वुमेन होंगी आ, रिपोर्टर्स आपको दिखेंगी आ, क्रिकेट में दूसरे स्पोर्ट्स में बहुत रिपोर्टर्स दिखेंगे नॉन क्रिकेट में आपको दिख जाएंगे और मैं एक और चीज़ सुनाती हूँ आपको ये इंडिया का बहुत ये बहुत हेल्दी सिचुएशन है हाँ इंग्लैंड में मैं गई थी 2001 में सीरीज़ कवर करने क्रिकेट मैंने ओनली वुमेन इन द प्रेस बॉक्स ठीक है 2011 में गई देन ऑल्सो ओनली वूमे इन द्रेस ये क्या है बकवास हाँ तो आ, लेकिन इंडिया में नंबर बढ़ा है और सिर्फ आ, सिर्फ टेलीविजन में नहीं राइटिंग में भी डिजिटल में भी और बहुत सारे सारे विमेन रिपोर्टर्स हैं जो आ, अपना खुद का पॉडकास्ट या फुटबॉल में या जो भी अपना खुद में कर रही हैं अपना सही का मैं कैसे आई थी hmm. चांस की बात और इमरान खान थैंक यू क्योंकि hmm. इमरान खान की जो इंटरव्यू मिली थी उसके बाद मेरी जो दो दोस्त जिनके साथ में गई थी वो अभी में मेरी बिल्कुल लाइक hmm. चड्डी दोस्त जिसको कहते हैं लाइक wow, दैट yeah, हाँ wow. वी आर स्टिल वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स सो हमने और क्रिकेटर्स की भी इंटरव्यू की और आफ्टरनून डिस्पैचर कुरियर जो मिड डे का जो राइवल पेपर था उसमें हमने छपाई और एक दिन मिड डे ने ऐड किया कि हमको स्पोर्ट्स रिपोर्टर चाहिए तो मेरी फ्रेंड की मदर ने कहा कि उसको बोला अप्लाई करें जब मैं गई वहाँ तो अनिल धारकर ने कहा अच्छा आप आर्टिकल लिख सकते हैं? तो हमने दिखा है उन्होंने अपने इतने सारे इंटरव्यूज उन्होंने तो बोला तीन लोग क्यों जाते हैं इंटरव्यू करने क्योंकि तो हम तीन दोस्त हैं भाई हम गए हम, हम, हम हमने किया हमने की मेहनत हम गए तो से, अच्छा ठीक है तो उन्होंने कहा आप हमारे लिए आर्टिकल लिखोगे वहाँ किस चीज़ पे आ, वाई विमेन लाइक क्रिकेट ऐसे तो बिल्कुल टाइम पास टाइप ऑफ टॉपिक था अच्छा ठीक है लिख दे लिख दिया मैंने ठीक ठाक उन्होंने कहा अच्छा मैच कवर करोगे हमारे लिए मैंने बोला आ, आप ज्वाइन कर सकते हो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं उन्हें कहा लेकिन मैं नागपुर जा रही हूँ छुट्टी में दिवाली की छुट्टी है मैं वापस आके ज्वाइन करूँ मैं हॉस्टल में रहती थी तब तो उन्होंने कहा ठीक है नागपुर में मैच हो रहा है आप कवर करोगे मैंने बोला हाँ तो उन्होंने कहा हमारा रिपोर्टर का टेलैक्स मशीन होती थी टेलैक्स कार्ड लो आप जाके मैच से रिपोर्ट हमको भेजो तो मैंने जाके मैच रिपोर्ट भेज दी दो बार छोटी सी कॉपी लिखनी थी और टेलैक्स मशीन और फैंटेस्टिक और सब और लिखी और तब से मुझे नौकरी मिली लेकिन बहुत लक्की बात है क्योंकि उस दिन के पहले और उस दिन के बाद किसी मैंने किसी अखबार में ये नहीं देखा कि हमको स्पोर्ट्स रिपोर्टर चाहिए कभी कभी नहीं देखा मैंने कभी नहीं चांस की बात हम खेलते नहीं है क्या मतलब इंडिया खेलने वाला देश नहीं है क्या है ये कहते हैं कि वी आर नॉट अ स्पोर्ट्स वी डोंट है स्पोर्ट्स कल्चर वो बकवास है वो सेंचुरी से चला आ रहा है बट हम खेलते हैं शायद लड़कियां ना खेल इतने ज्यादा

दशक के बाद कुछ हुआ नहीं बिल्कुल जैसे ब्लैक होल है इतने सारे करियर ख़त्म हो गए लेडीज़ के क्योंकि वीमेन्स क्रिकेट का जो वुमेन ऑर्गेनाइजर्स थे वो वो चेंज हो गई तब से जैसे गायब हो गए फिर 2017 में जो उनका परफॉर्मेंस था वो वर्ल्ड कप में सबने देखा अरे वाह फेंटेस्टे अच्छा खेलते टैलेंट तो है तो लड़कियाँ कम खेलती हैं स्पोर्ट्स उनको स्पोर्ट्स में एक्सेस कम मिलता है कि कहाँ जा खेले लेकिन बहुत स्पोर्ट्स चलता है इस कंट्री में आप कहीं भी जाके देखिए कुछ ना कुछ तो होगा हर प्रदेश में कोई ना प्रदेश कोई प्रदेश खेल है हरियाणा में आप देख लो कुछ मैं हाँ मैंने मैं आर्टिकल कुछ हाँ, मैंने मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसने मैं गई थी कहा मैं, मैं अंडमन में गई थी तो मैं जहाँ भी जाती हूँ कौन सा क्या स्पोर्ट्स चल रहा है मुझे बताओ मुझे देखना है तो मैं जाके जाके मिलती हूँ लोगों से जस्ट हैबिट है मेरा तो हमने देखा किसने था क्या कि हाँ फुटबॉल का कुछ हो रहा था और एक टीम थी वहाँ उसका नाम था निको मड्रिड निको यानी निको बार वन निको मड्रिट लाइक रियल मड्रिट बाई अच्छा आप कौन से टूर्नामेंट भी खेलते हो सर हाँ यहाँ होता है टापू है टापू में हम खेलते हैं मोलोम आपको कौन सपोर्ट करता है उसने मैं फलाना फ़लाना नाम दिया उसने मैंने सोचा कोई बिजनेस होगा मैंने उसको फ़ोन किया बाद में उस आदमी को कि सर आप वो सपोर्ट करते हैं एक दो टीम को हाँ आप क्या करते हैं वो वो एक गवर्नमेंट ऑफिस से वो जो बटालियन होती है ना टेरिटोरियल नॉट टेरीटोरियम एक बटालियन जो पैरामिलिट्री होती है इंडिया की Uh, वो उसमें काम करता है वो ऐसे भी तो मुझे पसंद है फुटबॉल तो मैं सपोर्ट करता हूँ hmm. तो ये भी है हमारा खेल इट्स नॉट दैट जैसे वो रोहित शर्मा ने कहा था ना वो इंटरव्यू में यही तो यही यही तो खेल है तो देर इज़ दैट दैट इज़ हैपनिंग को हम खेलते हैं hmm. लेकिन uh, हमारे पास जो है नहीं वो है कंपटिटिव मैचज़ का जो नंबर होना चाहिए वो उतना हमारे लोग नहीं खेलते हैं जैसे आप जापान में फुटबॉल आप खेलते हैं तो अगर आप पाँच साल के हो लड़का या लड़की और आप सोलह साल की उम्र तक आपने तीन सौ चार सौ मैचेस तो खेले होंगे लड़कों ने वो हमारे कंट्री में है नहीं, नहीं। खेल तो है बट वो वो नहीं है कोई खेल है जो आपको लगता है तो अजीब है मैंने बिलियर्ड्स कवर किया है लेकिन बिलियर्ड्स में जो जो उनके वो जो उनके प्लेयर्स थे बहुत बहुत अच्छे इंसान थे नहीं बिलियर्ड नहीं अजीब कौन सा लगता है मुझे मैं गोल्फ़ के बारे में सोचती हूँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त गोल्फ के बारे में लिखते हैं तो मुझे कहना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा ज़मीन इतना ज़्यादा मैनिक्योर पानी और वो सब और चलते जाते लेकिन अजीब तो, पसीना आने दो तो, गिरने दो तो, चोट लगने दो तो ना ये कैसा अजीब मुझे क्या लगता है मुझे ओलंपिक तो किस जमाने में शुरू हुआ था तब तो यही खेल माने आता रेसलिंग रेसलिंग को बहुत इज्जत करती हूँ बहुत बहुत ज्यादा अजीब कौन सा स्पोर्ट लगता है लोग शतरंज को भी मौज में लेते सब... हैं क्या को ये क्या... क्या नहीं घुड़सवारी क्या घुड़सवारी मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो बेचारा राजाओं राजा खेल है वो मर रहा है वो बेचारा घोड़ा पसीने लेकर भी तो इसमें फिर आ गया फोम हा, 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 फोम निकलता है उसके मुंह से वो मुझे देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगता शतरंज में लोग क्या देखते हैं लेकिन रिपोर्टर हूँ रिपोर्टर मैंने एक बार मिड के लिए एक आर्टिकल किया था प्रोफाइल ऑफ द जो डार्बी होती है बॉम्बे की सबसे बड़ी हाँ तो उसका फेवरेट जो हॉर्स था मैंने हॉर्स पे प्रोफाइल किया

और वो दे देकिंग मूव्स मूव वहां से लोगों का पर, उनके घुटनों पे उन्होंने सब अपने चेस के बोर्ड से वो कॉपी कर रहे थे अपने मूव टेंशन एक्साइटमेंट और जब फाइनल हो गया तो पूरा स्टेज के पास सब भाग के गए सब लोग वहां

<laughs> नहीं, नहीं नहीं बहुत और विश्वनाथन आनंद की कि जो किताब मेरी फ्रेंड ने ने है जरूर बहुत, बहुत लिखी है, है ना लेकिन ऐसा लिखा है कि चेस को टाइप लिखा है बहुत अच्छी बहुत अच्छी किताब है किताब की बात हुई तो आप भी कई किताबों में शामिल रही है युवराज सिंह वाली किताब लिखी थी ना हाँ क्या है ऐसा जो उन्हें युवराज बनाता है बहुत बढ़िया खिलाड़ी था वो है जब खेलता तो जिसको कहता है ना बड़े आ, हम नोएडा में हैं मैं आपको बेस्ट स्टोरी सुनाती हूँ नोएडा की तो मैं गई थी एल ऑफिस में आ, कुछ पेपर वर्क था ऐसे कुछ था करना था और वो कुछ बात कर रहा था क्रिकेट की बात शुरू हो जाती है कहीं भी आप जाओ कोई भी बात कर सकता है क्रिकेट से मैं मैंने हमने युवराज सिंह के लिए किताब लिखी है हाँ हाँ हा, वो बीमार है वॉट एवर निकलने वाली है किताब ऐसे ये बताइए कि उसका टाइटल के हम टाइटल के ऊपर झगड़ा कर रहे थे कि क्या होना चाहिए उसका टाइटल ऐसा कैसे उस आदमी ने जैसे अपनी पूरी लाइफ में उसको यही था कि वो वेट कर रहा था कि कोई मुझे ये सवाल पूछे और मैं ये जवाब दूँ उसने कहा जिंदा दिल उसको किताब का टाइटल तो होना चाहिए जिंदा दिल तो दैट इज अ थिंग खेला था ना वो आई थिंक उसका जो कहते हैं ना फियरलेसनेस जो था उसमें और थोड़ा सा जो अक्कड़ होता है ना Hmm. और कोई ये आप ये नहीं समझ सकते हैं हम जहां बैठे हैं कि युवराज सिंह का जो फिजिकल फॉर्म है वो इत, कितना, how huge he is. Hmm. हाँ, वो कितना इस दर्वाज़, इस दरवाजे दरवाजे को बिल्कुल अभी तो ज़्यादा वो <laughs> हो गया जिसको कहते हैं मेरे सामने I look छोटा in front of युवराज सिंह हाँ, मतलब हाँ, कैमरे पर तो हम जाते हैं, हाँ, पता नहीं आम बहुत रिलैक्सड आदमी है और एक बहुत मजा आता है कि वो इंटरव्यू में अच्छे से बात करता है वो क्या वर्ल्ड कप खेला था ट्वेंटी इलेवन में उसने लेकिन आप उसकी टीम को कुछ ख़राब कहोगे ना उसके जैसे शक्ल पे कुछ स्विच ऑन हो जाता है और ये सब क्रिकेटर्स के साथ आप देखोगे राहुल द्रविड ऑल्सो वेरी नाइस आप टीम अपनी टीम और टीममेट्स के बारे में अगर कुछ ने आपने कुछ कहा तो कि उनकी आंखों में जैसे वो होता है कि बस अब तो मैं तुमको पर गुस्सा तो राहुल द्रविड़ एक आधी बार दिखे हैं जब कैप फेंक कर मारी थी कैप फेंक <laughs> अंदर भले ही उनमें हा, हा, कितना हाँ, हाँ, हा, हा। है ना जैसे वो जैसे धोनी के, के लिए भी कहा जाता है फेंक देते थे बट यंग जब यंग प्लेयर थे ड्रेसिंग रूम में जाके बैट बैट फेंका है उसने और कहते हैं हाँ मैंने फेंका है हाँ लेकिन जब आप अगर क्रिटिसाइज करो उनकी टीम को तो जितने भी रिलैक्स होंगे उनकी आंख में जैसे स्विच ऑन होता है कि बस अब तो तो तुम्हारी चटनी की है धोनी धोनी को को भी कभी गुस्सा देखा बहुत आई पी आईपीएल में ना एक बार दो बार अब अंपायर से जा जाके झगड़ा किया था उसने कौन कैप्टन जाके झगड़ा करेगा अंपायर के ऊपर हाँ आप चुपचाप बैठो डागआउट में गुस्सा करो ठीक है लेकिन फील्ड के ऊपर चले गए कोई डिसीजन था पता नहीं क्या था भूल गए पी एल में होता है इस मामले में बदल रहा है अब क्रिकेट में गुस्सा था था। हाँ तो क्रिके, क्रिके, अभी, अभी भी क्रिकेटर करते नहीं है वो अंपायर के साथ झगड़ा नहीं करते इसमें सबसे फेवरेट स्पोर्ट है मेरा रग्बी रग्बी का जो अंपायर होता है ना रग्बी के प्लेयर्स होते हैं बिल्कुल लाइक छह फुट या साढ़े छह फुट और बिल्कुल छह फुट या इस भी ब्रॉड ऑल्सो रग्बी का रेफरी उनको सबको लाइन जितना भी छोटा हो सबको लाइन में रखता है टाइट कुछ नहीं कह सकते उसको और यस 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 सर यह सर यह सर कुछ नहीं कह सकते वो वाले, वाले रेफरी के सामने कुछ नहीं कर सकेंगे फेवरेट, फेवरेट, वो, आपको देखने चाहिए बहुत बहुत वीडियो मिलेंगे यूट्यूब में आप जाके देखो रग्बी के रेफरी और रग्बी के प्लेयर्स खड़े रहते हैं उनके सामने एक जमाना था सौरव गांगुली का वो जमाना जो था वो हमारा तो एकदम एक तो हम सब उन क्रिकेटर्स को फर्स्ट नेम कैजुअली हम जानते थे फोन करके बात कर सकते थे जॉन राइट ऐसा क्या कर रहे थे कि वहां से इंडियन क्रिकेट इतना बदल गया सिंपल चीज वो जब आए थे तब उन्होंने पहले पढ़ी थी मिहिर बोस की बहुत मोटी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट उसने पढ़ी थी हाँ नहीं नहीं पढ़ा करना शुरू किया था उसने हाँ अच्छा। और फिर उन्हें बंद कर दिया बहुत मोटी किताब है नहीं पढ़ सकता <laughs> तो आए थे और उनका जो मैन man मैनेजमेंट बहुत ही टॉप टॉप क्वालिटी का मैनेजमेंट और अगर इस कमरे में आके वो विद इन फाइव मिनट्स आप सबको अपना दोस्त बना लेंगे लाइक दिस हाँ तो वो था एट द सेम टाइम वो बहुत कंपटिटिव थे आम, और सौरव और उनका बहुत झगड़ा होता था एब्सोल्युटली एक्सेप्टेड बट वो एक दूसरे वो, वो ये नहीं थे कि मैं आपसे अच्छा हूँ वो ये जान और वो ऑलवेज कहते हैं कि जो सबसे अच्छा कोच है उसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए वेरी गुड प्लेयर्स एंड लक वो होता है सो ही वाज आल्सो ही डिन टेक हिमसेल्फ वेरी सीरियसली और उसने ये बहुत सिंपल चीज़ें की फिटनेस फिटनेस बहुत सिंपल सी चीज़ है अच्छा एक बार वो जब आए थे उन्होंने बहुत मज़ेदार चीज़ कही थी मैं आया था पहले पहला उनका जो नेट सेशन हुआ था फिरोशा कोटला में, में जिम्बाब्वे के पास साथ इसे मैं देख रहा हूँ कुर्सियाँ बिस्किट

वहाँ वो कोहली कुमले चला नहीं हाँ नहीं चला वो कुमले ऐसे इंसान मेरी मेरी थ्योरी आप सुनेंगे इसके बारे में हाँ हाँ थ्योरी सुनने बैठे हैं हाँ, हाँ, हाँ। तो एक जो थ्योरी है मेरी जो मैंने लिखी है उसके बारे में तो सौरभ गांगुली ने आके कहा था प्रेजेंट मैं अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दूंगा कुंबले ने प्रेजेंट किया था क्रिकेट बोर्ड को एक आ, यही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्राइज मनी फीस मैच फीस का उसने प्रॉपर वो दिया था कि आप ये मत करिए कि आप हर उसके सामने आपने 125 करोड़ दे दिए सिस्टम करिए बोनस सिस्टम एस्टेब्लिश करिए कि आपने इतना किया तो ये मिला इतना किया तो ये मिला और ये आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स है आपका विच इज़ द नॉर्मल लॉजिकल जैसे बोलते हैं ना सेम वे ऑफ डूइंग थिंग्स आप प्रोफेशनल ठीक से प्रोफेशनलाइज सिस्टम स्ट्रक्चर करो तो स्टोरी क्या निकाली के कुमले अपने ज़्यादा तनखा चाहता था इससे भैया मैं तो एज एफ गोइंग टू बी लिविंग फॉर एवर जो मेरा बाद जो आएगा कोच उसको भी मीनिंग दिस इज द आर्ग्यूमेंट दैट जो बाद में आएगा कोच उसको भी इतनी तनख्वाह मिलेगी हुँ. तो तो उसको मेरे, मेरी थियोरी ये है अगर कोई डोमेस्टिक प्लेयर्स के बारे में उनको उनकी सैलरी इंक्रीज करने वाले उनको खुद अपना कंट्रोल और सिस्टम के बारे में अगर कुछ कोई करने की कोशिश करे तो उसे हटा दिया जाता है कुम्बले को हटाया गया सौरव गांगुली को तो और बहुत क्वालिटीज़ और ट्रेट भी अब सौरव गांगुली भी को हटाया गया कि में डोमेस्टिक प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में कॉन्ट्रैक्ट्स लाने वाला आपको पता है जब कोविड हुआ था तो पूरा एक सीजन ख़त्म हो गया कितना वेट करना प्लेयर्स को वेट वेट करना पड़ा प्लेयर्स को क्या उनके अपना कॉम्पेंसेशन मिले उनको उनकी और कोई आमदनी है ही नहीं डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के पास और सब कहते हैं नहीं इंडिया के क्रिकेटर्स बहुत अमीर है कितने क्रिकेटर्स अमीर सब अमीर नहीं हज़ार क्रिकेटर्स हैं हज़ार बारह क्रिकेटर्स हैं फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक प्लेयर्स एक सौ पचास होंगे जिनको आईपीएल में आप देखेंगे एक सौ पचास चलिए दो सौ और आठ सौ आठ सौ जितने भी उन, उनका क्या हजार उनका क्या तो उसमें पर कोहली कोहली ओ और उसका पर्सनालिटी <laughs> क्लैश जरूर हो सकता है कोच और उसके बीच में वो, वो जरूर हो सकता है दैट आई कैन नॉट उनकी शायद uh, जो कहते हैं और एक और चीज हुई थी कि, कि कोहली से ज्यादा पावरफुल इंडियन कैप्टन कोई हुआ नहीं है

हाँ नहीं वो हो सकता है फिर क्या होता है फिर फॉर्म भी तो एक चीज होती है फिर फॉर्म भी चीज होती है और हर क्रिकेटर का जो जितना भी आपका आपको सबको या, आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर के जो अठारह महीने जो लास्ट अठारह महीने थे, थे टॉर्चर हाँ जो हम हाँ लेकिन हमने हमने देखा अब वो कोहली का एग्जाम्पल तो अलग ही है तो आपने देखा ये वर्ल्ड कप का टाइम और एक सेंचुरी नहीं बनाई थी उसने तो वो वो भी आ जाता है तो लेकिन कोहली का जो पहले ज़माने में आपको ये भी याद है कि कैप्टन को सीरीज़ बाई सीरीज़ मिलता था कप्तानी ये नहीं कि आप वर्ल्ड कप तक करें सौरभ गांगुली सब कर, नहीं नहीं डालमिया तो उनके पीछे थे वो तो थे लेकिन उनको सीरीज बाई सीरीज़ मिलती थी कप्तानी जैसे थोड़े वन लड्डू एट अ टाइम तो वो बदल गया है थोड़ा और ये उसके प्रभाव में सॉर्ट sort ऑफ of जो जो सी ओ ए और विनोद राय और वो सब हुआ था वो वो कोहली का बहुत उनका कोहली का बहुत दबदबा था उस टाइम और स्टार टीवी ने भी आपको देखते हैं आप आप ये देख रहे थे वर्ल्ड कप का मैच दिखा रहे कोहली कैम लिटरली कैमरा इज फॉलोइंग अराउंड दिखता है समथिंगलीज नॉट अ ग्रेट बैट्स

वो होते होंगे पर लगते नहीं थे अभी थोड़ी अजीब और, तो हाँ, 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 और मुझे लगता है कि जो अंग्रेजी के हैं है उनपे ज्यादा प्रेशर है हिंदी के कमेंटेटर मुझे लगता है काफी आवारा दिल टाइप के वो जो भी बोलना चाहते हैं आईपीएल में पर्टिकुलरली जो भी बोलना चाहते हैं वो बोल लेते हैं वो लिटरल कॉमेंट्री कर रहे हैं आपको कुछ कमेंट मार रहे हैं कमेंट मार रहे हैं हाँ सच में सच में तो वो क्योंकि ऐसा बन गया है कि क्रिकेट की कमेंट्री में थोड़ा जो होता था ना साइलेंस ठहरा वो सब आ, अब चला गया दैट्स नॉट देर एनी टू फिल द स्पेस विथ सब ऑलवेज हाइपर एक्साइटेड अबाउट एवरी और आ, आ, क्रिकेट की कॉमेंट्री में आपको जो इंसाइट और इंफॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं वो जैसा होता है कि ना बिल्कुल ऐसे भरा हुआ है बकवास का बकवास का बवंडर हर जो बैट से लगती है जैसे हवा में जाती है हाँ। तो उन्हें लगता है छक्का जा रहा है तो वो तो बोलता है गया उम्मीद कर रहा है कुछ अच्छी बात करके हैं जो भी स्क्रीन जो भी स्क्रीन पे देखते हैं उसकी ही कॉमेंट्री करनी पड़ेटेट वॉट दिस सी मैदान में नहीं कई बार तो मैदान में भी नहीं तो काफी लेवल की हो गई है कभी कभी आ, आते हैं थोड़े जो अलग से अगर कॉमेंटेटर कुछ कह दे तो सोशल मीडिया उनके ऊपर चढ़ जाती है आप हेट करते हो टीम को अरे ऐसा थोड़ी है कि हेट करते हैं टीम को अब हार रही है तो हार रही है आ, आप कैसे नहीं कहेंगे मेरा फेवरेट कॉमेंट्री स्टोरी है विराट कोहली ने एक बार ड्रॉप कैच ड्रॉप किया था पॉइंट पे या गली पे यहाँ लगा था और गिर गया था हार्ड चांस <laughs> <laughs> वो क्या करे okay, क्या कहे <laughs> यार? कैसे कह दे, <laughs> या, या, कैसे कह दे? <laughs> अब फैंस जैसे पहले तो खबर आती थी हाँ। कि ये सीरीज हार गए तो घर पर चढ़ गए हाँ। है ना वहां पर पुतले तो जली रहे हैं लेकिन घर पर पत्थर भी फेंक रहे हैं हाँ। अभी क्या है कि उनके पार्टनर्स को निशाना बनाते हैं कई बार मैदान में खड़ा होता है कोई बाउंड्री लाइन पे तो वहां से खराब बातें कहते हैं अश्लील बातें उनकी हाँ उनके इंस्टाग्राम पर जाके उन्हें हाँ, गालियां देते हैं जहां तक कि मतलब पत्नी छोड़िए बेटी तक के बारे में भी बहुत, बहुत बुरी बुरी बातें होती हैं है ना तो अब ट्रोलिंग ज्यादा बढ़ गई है वो घर तो नहीं जाते हैं घर पे पर खबरें नहीं आती बहुत अच्छी बात है मगर ये सब तो मेंटली तो प्रेशर देता है और क्या बहुत बहुत खराब है हाँ, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आपको लगता है कि वो प्लेयर जो है वो आपकी प्रॉपर्टी है तो आप कुछ भी आपको आप कुछ कर सकते हो उसके ऊपर वो वो भी तो है तो आप शायद उनके घर पे पत्थर ना फेंके लेकिन सोशल मीडिया इतना लेडी गागा जो पॉप स्टार है उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कही उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया इज़ द टॉयलेट ऑफ़ द इंटरनेट वो जो जो मैं उसको मानती हूँ <laughs> सोशल मीडिया इज़ द टॉयलेट ऑफ द इंटरनेट अब नहीं लेकिन सोशल मीडिया में बहुत हमको अच्छी चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं <laughs> मज़ेदार चीज़ें भी सुनने को मिलती लार्जली लेकिन टॉयलेट हाँ तो ये हम um, और जब इंडिया हारती है तब यही होता है तो यू जस्ट गेट ऑल दिस हॉर्बल हॉर्बल कमेंट्स और बिल्कुल आई मीन आपका क्या दिमाग होगा कि आप किसी बच्चे या किसी की पत्नी या किसी के बेटी उसके ऊपर ऐसे आप कमेंट करोगे क्योंकि आपको आपका नाम नहीं आता कोई जानता नहीं आपको आप बच जाते है? हो आप बच जाते ने ने हो आपको उसको आपको छूट मिल गई है तो आप चलो पत्थर फेंकने फिर भी रिस्क है <laughs> पुलिस <laughs> पकड़ ले वो, वो फिर भी ये है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा इसमें तो है ही नहीं लेकिन अब एक और चीज है खिलाड़ियों के पार्टनर्स उनकी फैमिली दिखने लगे है ना मैदान में भी दिखने लगे हैं पहले इस पर खबर बनती थी कि इस टूर में खराब किया है अगले टूर के लिए बीसीसीआई ने मना कर दिया हाँ। कोई अपने पार्टनर के साथ नहीं जाएगा हाँ। ये सब। डिस्ट्रैक्शन होता है जब वाइफ आएंगे अब, अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है कि जो प्लेयर्स खेलते हैं। नहीं को प्लेयर्स नहीं कर सकते उसका मतलब क्या ट्वेंटी फोर सेवन कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं रूम में बैठ के कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऐसा थोड़ी है तो इट्स लिटिल बिट मोर और आपने ये भी देखा कि विराट हैविंग अ बेबी तो आप छुट्टी ले लें यू मिस अ गेम दैट्स फाइन दैट्स सीन एज नॉर्मल वो hmm. वो बहुत अच्छी चीज हो गई है तो आपका प्रोफेशन है ये आप इंडिया के लिए खेलते हो ग्रेट बट आप किसी के शौहर भी हैं आप किसी के फादर भी हैं आप किसी के बेटे भी हैंट्स ऑल्सो रिकिग्नाइज In, in, in a good way. पहले होता था कि जा सकती लेकिन नहीं, जा नहीं नहीं पता नहीं पता, नहीं। जा 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 सकते। 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 वो वो पता लेकिन खेल पत्रकार के तौर तो पर बताइए। आप को तो कर सकती हैं। खिलाड़ी को भी कर सकते हैं लोग। of course. नहीं आप कर सकती हैं। आपके दोस्त पत्रकार कर सकते हैं घबराहट नहीं होती है

फ्री में गाली खाना मुझे तो फ्री में नहीं गाली खा ली एंड बच नो एंड आई एम सेइंग के जो होता है कि या तो ऑफिशियल हो या प्लेयर हो उसको समझ में आता है कि आप सबके अगर क्रिटिसिज्म करोगे तो ये नहीं है कि आप इसका फेवरेट है या आप इसके करोगे इसका नहीं करोगे आपका एजेंडा नहीं होता ना जब तक रिपोर्ट देखता है कि रिपोर्टर का एजेंडा नहीं है फिर तो ठीक है एजेंडा नहीं होना चाहिए दो तीन सवाल जल्दी जल्दी क्रिकेट में आरक्षण होना चाहिए क्योंकि हम तो ये वाली बात कह रहे हैं कि इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में और आरोप तो लगते ही रहते हैं हाँ। पहले लगता था कि सब महाराष्ट्र के ही खेलेंगे क्या फिर आया बंगाल वाले जाने लगे हैं हाँ। अब हाँ। अब थोड़ा सा हुआ है कि अलग अलग प्रांतों के लोग दिखते हाँ। हैं लेकिन जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ उनका भले किसी और आधार पर हुआ था क्या यहाँ जरूरत है हो सकता है होना चाहिए यहाँ जो क्रिकेट को कहा गया है कि दलितों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है है ही नहीं या अगर आप किसी से बात करें वो बताएंगे नहीं आपको आ, अपनी कास्ट नहीं बताएंगे या ओबीसी या जो भी है तो आई थिंक जूनियर क्रिकेट में एटलीस्ट कुछ आ, शायद बात होनी चाहिए उसके बाद क्योंकि बात भी नहीं होती आप बात भी नहीं कर सकते नहीं नहीं ये तो मेरिटोक्रेसी की बात है ऐसा आप कर्नल साहब खूब कह रहे हैं मेरिटोक्रसी जो भी कर्नल साहब इमेजिनरी कर ले नॉट रियल Uh, मैं एक टॉक में गई थी तो मेरिटोक्रेसी uh, की बात है ऑल सर प्लीज़ आप ये हमको मत बताइए कि अफसर कौन है आर्मी में और uh, hmm. फौजी कौन है आर्मी में उसका हमको आप uh, ये मत बताइए मेरिटोक्रेसी की बात है आपका अफसर होना और उसका फौजी होना तो यू हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट यू हैव टू सी अगर आप चाहें आपका आप बोर्ड ऐसा है कि हम देखें कि आर इज देयर रिप्रेजेंटेशन इक्वल ऑल अक्रॉस द बोर्ड इन क्रिकेट तो विमेन्स क्रिकेट में उत्तराखंड में ने जो स्टोरी की थी उस लड़की को uh, 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 उसने इंसल्ट किया था कोच ने कि तुम तो लोअर कास्ट की हो तो तुमको तो अगर ये हो रहा है यू शुड बी एबल टू हैव सम मैकेनिज्म टू प्रिवेंट दिस टू स्टॉप इट टू सी के नहीं हम सबको लेके आए लेट अस ट्राई एंड सी को गिनती नहीं होगी कि कितने लोग खेलते हैं क्रिकेट इंडिया में इंग्लैंड वालों को है ऑस्ट्रेलिया वालों को सब कहेंगे नहीं नहीं नंबर बहुत है भैया हम इलेक्शन कराते हैं हम ये नहीं गिन सकते कितने सारे क्रिकेटर्स हैं हमारे कंट्री में आप इलेक्शन कराते हैं क्रिकेटर्स जो, जो जो, आपके सिस्टम में है। नहीं नॉट सिस्टम जो रिक्रिएशनल क्रिकेट खेलते हैं प्लेइंग इनफॉर्मली इन योर कंट्री ऑस्ट्रेलिया एंड बिकॉज क्लब्स आर रजिस्टर्ड एंड ऑल का फॉर्मल सिस्टम है बट आपका कुछ तो ऑडिट होना चाहिए कुछ तो ऑडिट की तो आप कोशिश तो करिए कितना ऑडिट है आपका और ये कहते नहीं नहीं ये हिंदुस्तान में नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता आप इलेक्शन कराते हो ये सोच लो तो पांच साल में एक बार कराते हो पाँच साल में एक बार कराते हो और पूरे साल कहीं ना कहीं होता <laughs> <Exactly>. ही है एग्जैक्टली <laughs> कुछ तो करो ऑडिट तो एंड देन दैट विल टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि इस एरिया में अगर पर्टिकुलर पॉप, पॉपुलेशन क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही आप ये बताइए जो जो शेड्यूल का शेडुल के जो एथलीट्स है वो हॉकी वगैरह क्यों जा रहे है क्योंकि उनको उनको पता है उनको चांस मिलेगा हाँ। उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्रिकेट में आपको कहेंगे नहीं एक्सपेंसिव स्पोर्ट है एक्सपेंसिव स्पोर्ट लेकिन अगर आपको चांस मिलेगा आप क्यों नहीं जाएंगे ट्राई क्यों नहीं करेंगे उसमें बैटिंग एप्स उस पर क्या कहना ओह, oh, बहुत interesting conversation करे हैं किसी के साथ जो hopefully, बड़ी story. Betting apps भी नहीं ये जो आपके जो आपके वाले apps है ना उसमें क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे वो बैटिंग जब शुरू हुआ था ना मैंने कहा था कि हमको ये नहीं पता था कि भूकी क्या चीज होती <laughs> है हाँ। बिल्कुल हम डफर टाइप के जूनियर रिपोर्टर थे बताइए वो किस्सा क्या जब आपको पता ही नहीं चला था <laughs> <वहीं थी। laughs> हाँ हाँ बात हो रही है पीछे किसी के पास अब आप सोचिए ये है तब की बात जब मैच फिक्सिंग का बाहर आया नहीं था हाँ तो हम ये हमको पता था कि एक दो रिपोर्टर थे प्रेस बॉक्स में जिनको डायरेक्ट लाइन लैंडलाइन फोन की उनके डेस्क पे होती थी सामने चल रहा मैच और वहीं से हाँ। बात करते बात कर, थे। कर रहे किससे बात कर रहे क्यों बात कर रहे हैं बात होती थी और सब कहते खुश 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 बुकी के साथ बात अपने बुकी के साथ बात करें बुकी कौन है इंटरनेट तो था नहीं तब हमको कुछ नहीं समझ में आता बुकी पंटर कुछ सेंस नहीं होता था हमको और फिर जब वो अजरुद्दीन और उसकी खबर आई कि हाँ मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है तो फिक्सिंग तो यू कैन अंडरस्टैंड वेगली बट ऑलवेज बात होती रहती थी उसके बारे में कुछ तो था वो जो बाहर के रिपोर्टर्स आते थे वो मैच देख रहे हैं और वो आप जैसे इंग्लैंड के आए रिपोर्टर्स तो आप मैच देख रहे हैं लाइव मैच देख रहे हैं और जितना भी डील होता है फाइव सेकेंड्स टेन सेकेंड उसमें आप बैट लगा सकते हैं आपके उसमें दे टू डू इट जो पे बॉल फेंकी हाँ पर देखी हाँ

और बेटिंग एप्स तो एक और चीज है वो तो अलग चीज है डाफा वो अलग है वो अलग है वो अलग है जो कि फैंटेसी वाला तो एकदम अलग है ये तो भांडा टाइप का है फोड़ फोड़ने के लिए वेटिंग वेटिंग टू बी फोड़ो कीजिए कुछ अब भाई नहीं क्या क्या करें नंबर नहीं नहीं नंबर भी मेरा वो चलता नहीं मेरा दिमाग उस चीजों में नहीं चलता नंबर्स नंबर्स जॉब में एक और जरूर मैं चीज बताऊं उन्होंने कहा कि इंडिया के जो फैंस हैं ऐसे फैंस आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे और उन प्लेयर्स को कहा कि आप इन फैंस के लिए खेल रहे हैं ये आप भूलना मत कभी ये बहुत बड़ी और सिंपल चीज़ है हम सब जानते हैं लेकिन अगर कोई बाहर से आके आपको कहे कि ये मैंने कहीं नहीं देखा है दुनिया में आपके लिए जितना प्यार है लोगों का अब ये समझो इसको अंडरस्टैंड करो प्यार है बहुत इज्जत है बहुत बहुत-बहुत बहुत। प्यार, बहुत इसमें क्या है। शक हाँ। है? आपने देखा जब वो, वो, वो कप तो उसके बाद हाँ। इज्जत करते हैं अभिनव इंद्रा हूँ और अभी भी देखिए खिलाड़ी आते हैं नीरज चोपड़ा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल गजब के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा इतना आपके ऑफिस में शायद आया होगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता वो लोगों के साथ इतना अच्छा उसका रिलैक्सड उनका व्यवहार है कि बहुत मैं शौक में रहती हूँ क्योंकि नॉन स्टॉप लोगों की वो लाइन लगी रहती है उसके पास बट वो कभी फ्लस्टर नहीं होता कभी वो नहीं करता बहुत आराम से और बहुत इज्जत से लोगों से बात करता है वेरी वेरी रिलैक्सड नहीं इंडिया में भूख है इंडिया के लोगों को चाहिए कि स्पोर्ट्स में लोग निकलें हम हाँ। सपोर्ट करें ये तो देखा है निकलता है कोई सपोर्ट करता है और अब चूंकि ओलंपिक होने वाला है तो एक सवाल उस पर मेडल जीतने की उम्मीद डेंजर क्वेश्चन है ये मुझे लगता है अगर मैं कह दूँ और फिर नई मेडल आएंगे ना मैं कह दूंगी तो मेडल नहीं आएंगे ये मेरा थोड़ा ऐसा वो है हाँ लिटिल कावर्ड्स ऑप्शन बट है आई मीन चांस है एटलीस्ट सात सात आठ नौ मेडल दस मेडल के चांस हैं चांस तो ऑलवेज रहे हैं बट चांस है नहीं इतने और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाँ। कि अगर पहले दो तीन दिन में, में मेडल मिले फिर तो लाइक like, रुकेंगे नहीं पहले दो तीन शूटिंग वूटिंग में शूटिंग को शूटिंग को दो ओलम्पिक्स से नहीं हाँ दो ओलंपिक्स रियो और टोक्यो में मेडल नहीं मिले शूटिंग का टाइम है

मैं बताती हूँ नाइनटीन एटी सिक्स से ओलम्पिक्स के होप से हैं हमारे सोल में अब तक है नहीं मेडल क्यों नहीं आएगा इस बार दिखत जरीन आप ये सोचिए एक ही मेल रेसलर गया है इस बार एक और मोस्टली वीमेन गए हैं अंतिम पंगल भी है विनेश भी है अविनाश साबले जो हमारा एथलीट है जिसने वो स्टीपल चेस में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है वो कैनियन के बिल्कुल उसके कंधे पे वो सांस उसकी निकल रही थी वो कैनियन की जान निकल रही थी अविनाश साबले बहुत नेशनल रिकॉर्ड तोड़े हैं उसने और ओलंपिक्स में जो नीरज चोपड़ा ने हमको जो सिखाया ओलंपिक्स में ये है कि आपको ना तो 90 मीटर डालने हैं ना तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है आपको उस दिन का सबसे बेस्ट थ्रो करना है बस उस दिन का सबसे बेस्ट टाइम उस दिन का अगर आपका टाइम और थ्रो बेस्ट है तो आपके पास आ जाएगा मेडल आ जाएगा तो वही किया है तो उम्मीद करते हैं किस बार उम्मीद सबसे पे दुनिया कायम है बहुत बहुत शुक्रिया शारदा गुरा कितना अच्छा मैंने पूरे पॉडकास्ट में आपको मैडम नहीं कहा आपने मना किया था मैड बिल्कुल गोल्ड मैड, गोल्ड मेडल गोल, मेडल <laughs> बहुत बहुत, 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आने के लिए इतनी लंबी बातचीत हुई थैंक यू सो मच और उम्मीद पर दुनिया कायम है उम्मीद पर हम भी कायम है इसी उम्मीद के साथ कि क्रिकेट का अच्छा हो रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन बाकी खेलों में भी लोग जाएं परफॉर्म करें आप लोग जाके जाके डोमेस्टिक कंपटीशन क्यों नहीं लोकल में के वहाँ फिल्म देखने का टिकट लेते हैं तो खेल का भी लेना बिल्कुल, चाहिए तभी कुछ होगा कम से कम खेल के बढ़ावे में हमारा इतना योगदान तो हो ही सकता है बिल्कुल बिल्कुल जरूर जाए और आज तक रेडियो के बढ़ावे में भी आपका योगदान होना चाहिए तो अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर दीजिए अभी हमारा ताजा लक्ष्य क्या है एक लाख सब्सक्राइबर थोड़ी पीछे इंस्टाग्राम पे हम हो गए हैं वीडियो में भी हम ताजे ताजे आए हैं तो सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है ऑडियो में तो हम ठीक ठाक हैं बोल्ड है हमारे पास <laughs> थैंक यू सो मच अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे इतने धैर्य से सुना बहुत शुक्रिया क्या हो गया पहली बार ताली हो खत्म होने पर